काल भैरव रहस्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं 34 एपिसोड के बारे में। काल भैरव रहस्य में अब तक यह हुआ कि एक कुत्ता था जो मिंटी के पीछे पड़ा था उस मंदिर में, जबकि वो एक सपना था। जब सपना जब वो उठी तो मिंटी को एक बार फिर तेज बुखार हो गया। फिर से वो मिंटी की माँ फिर परेशान हो गई और वो गांव छोड़ने के लिए सोची। तभी वहां पर एक गौरी आई, फिर उसे एक काढ़ा दिया और फिर कुछ सबूत दिया। लेकिन उससे पहले यह पता चल गया कि यह सब खेल, मंदिर का खेल, वो जंगली आदमी था जो वो सब शक्ति माई करवाती है। शक्ति माँ बहुत विलन है इस सीरियल की, मेरे ख्याल से वही सब ये सब करवाती है। और उस सरपंच को यह भी बोला है कि उस राहुल पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज लड़का है, वो सब सबूत इकट्ठा कर सकता है और उसके सारे सबूत को खोल सकता है गांव वाले के सामने। लेकिन वो गौरी जो दी थी उस सबूत, वो क्या है? गौरी ने फिर एक दिखाया कि वो एक सिक्के का तांबा, वो एक सोने में चांदी में बदल जाएगा, तो काल भैरव भगवान का चमत्कार होगा। उसके लिए वो मिंटी की माँ एक दिन गांव में रुक गई और फिर कल दिखाएगा कि क्या हुआ। वो बदला, वो पंडित ने देखा कि ये कुछ नहीं बदला, फिर वो कहने लगा कि ये भगवान का आशीर्वाद कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन शायद पीछे से राहुल उस तांबे का चाबी बदल दिया हो, उस सिक्का को बदल दिया हो। तब तक ले इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।